वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन बोनलेस मसाला हांडी रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए ऑनियन। 3 मीडियम साइज में मैंने ऑनियन लिए, इसको ऐसे मैंने काट लिया स्लाइस में। मीडियम साइज़ है, 2 मीडियम साइज़ एक थोड़ा सा स्मॉल था। और उसके बाद चाहिए हमें चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, ये कुटा हुआ है हरा धनिया, साबुत धनिया, 1 टीस्पून चिली पाउडर चाहिए इसके लिए। ओके, 1 टेबलस्पून चाहिए योगर्ट फ्रेश भरकर, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, कसूरी मेथी, ये बहुत टेस्ट इसमें ऐड करती है इस रेसिपी में, और ये जिंजर पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के, एंड 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट भर के, 7 to 8 चिली ग्रीन चिली, 2 लार्ज साइज टोमेटो ऐसे चॉप्ड काट लेने, 800 ग्राम चिकन है बोनलेस, फ्रेश क्रीम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ऑयल। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने लो फ्लेम पे पहले से चला लिया था चूल्हा, और अब हम डालते हैं इसमें अपना ऑयल 1/2 कप ऑयल। सारा इसमें अपना ऑयल डाल लिया। ठीक है, अब हम उसके बाद डालेंगे इसमें ये स्लाइस ऑनियन, ये देखें। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको भूनेंगे, सॉरी फ्राई करेंगे, अभी भूनना स्टार्ट नहीं करना। जब तक हमारा प्याज गोल्डन हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ कि बोनलेस चिकन को हमने काट लेना है इस तरह के क्यूब्स में। ये देखिए, ये बोनलेस चिकन लिया 800 ग्राम, इसको ऐसे क्यूब्स में खुद मैंने काट लिया। ये देखिए, अब ये प्याज हो रहा है गोल्डन ब्राउन। अब इसमें डाल देना जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ओके, ये जिंजर पेस्ट है, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छे से भूनने के बाद इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी गोल्डन हो गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो, वो हमने टोमेटो काट के ये ऐसे रखे थे, ये अब इसमें ऐड करेंगे सारे। अब इसका पानी ड्राई करेंगे टोमेटो का, मीडियम फ्लेम पे ही हमने ये बनाना है। इसका मसाला ज़्यादा रखते हैं क्योंकि ये मसाला बोनलेस हांडी है, इसलिए इसमें टोमेटो, ये प्याज, अदरक, लहसुन ये ज़्यादा ऐड होते हैं क्योंकि इसका नाम है मसाला हांडी। अब ये देखिए, ये इसका पानी ड्राई हो रहा है टोमेटो का सारा, स्लो स्लो। अब हम डालेंगे अपने सारे स्पाइसेस। सबसे पहले सॉल्ट, टर्मेरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये है जीरा, साबुत धनिया, और साथ ही चिली, ये चिली क्रश है,
ये देखें अब इसका मसाला अच्छे तरीके से भून गया। ये देखें अब हम इसमें डालेंगे चिकन, चिकन क्यूब जो बना के रखे हैं मैंने क्यूब के साइज में काटे थे उसको, अब हम इसमें अपने चिकन क्यूब ऐड करेंगे और उसके साथ हम इसमें डाल देंगे फ्रेश योगर्ट। ये देखें ये योगर्ट के पानी में अच्छे से ये फ्राई होंगी सारी, अच्छे से मसाले में उसके अच्छे तरीके से ये हो जाएंगे। ठीक है ये अब हम इसको अच्छे से हिला लेते हैं। इसका कलर देख सकते हैं कितना मज़े का आया है। अब हम इसको कवर करके इस चिकन को अच्छे से गलाएंगे। मैं इसको अब 5 to 7 मिनट कवर करके पकाऊंगी। मैं इसकी स्मेल के लिए मटन और चिकन पहले से इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ऐसा करती हूँ, गल भी अच्छे तरीके से जाते हैं, सॉल्ट वाटर में इसको अच्छे तरीके से डुबो देती हूँ। भिगो कर 1 hour से 1.5 hour मैक्सिमम इसको भिगोती हूँ, उससे बहुत सॉफ्ट भी मटन और चिकन हो जाता है और स्मेल बिल्कुल नहीं आती चिकन मटन में से। ये देखें अभी अच्छे से हिला लिए, अब इसको मैं कवर करने लगी हूँ। 5 to 7 मिनट इसको कवर करके बनाएंगे। अब हम इसको उठा के चेक करके देखेंगे 5 to 7 मिनट गुजर गए, 7 मिनट मैक्सिमम 7 मिनट। ये देखें कैसे इसको बदल जा रहे हैं। अब हम इसको भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे 7 मिनट। ये देखें अब इसका पानी ड्राई हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, अब इसी पानी में अच्छे तरीके से ये कुक भी हो जाएगा, अच्छे तरीके से बन भी जाए पक जाए। गेम बता रही हूँ ये मीडियम फ्लेम पे है, इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया मैंने। ये अपना टमाटो का और दही का अपना पानी, बहुत मज़े की बनकर रेडी है। अच्छा अब इसके पानी ड्राई होने तक हम इसको ऐसे भूनते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। ये देखें ये भुनाई के बाद इसकी ऐसी शक्ल है, ये देखें। अब हम इसमें ऐड करते हैं ग्रीन चिली, कसूरी मेथी, और इसको अच्छे तरीके से हिला लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम 2 to 3 tablespoons, कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं आप इसमें। ये मैंने अंदाजन डाली है, क्रीम से बहुत अच्छी ग्रेवी इसकी आती है, बहुत मज़े की। ये 2 to 3 मिनट क्रीम डालने के बाद मैंने पका लिया था इसको, उसके बाद हम देखते हैं हमारी ऑलमोस्ट चिकन मसाला हांडी डन है। ये देखिए क्रीम डालने से ऐसी ग्रेवी वाली जो होती हैं हल्के मसाले वाली हांडियाँ उससे बहुत अच्छा वो टेस्ट आता है, क्रीमी क्रीमी सा टेस्ट आता है। अब हम इसको डिश ऑफ कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहुत मज़े की मसाले वाली हांडी ये तैयार है हमारी।
चिकन बोनलेस मसाला हांडी। इसकी फाइनल लुक कैसे आती है? ठीक है जी, ये बिल्कुल डन है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं है, कोई हम चीज़ ऐड नहीं कर सकते, बिल्कुल डन है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें जी, ये हमारी चिकन बोनलेस मसाला हांडी बनके रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार है। इसका सेम टेस्ट रेस्टोरेंट जैसा आता है, बहुत मज़े की बनी है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर